प्रतापगढ़ में दबंगों की दबंग गई चरम पर। एसडीएम कुंडा की मनाही के बाद भी भूमाफिया के इशारे पर तहसील प्रशासन ने चलाया पुश्तैनी आबादी पर बुलडोजर। प्रतापगढ़ के थाना नवाबगंज अंतर्गत ग्राम सभा कडरों में मुस्लिम समुदाय की सैकड़ों वर्ष पुरानी पुश्तैनी आबादी की जमीन, जिस पर मुस्लिम समुदाय की मस्जिद पौशाला कुआं मौजूद है, जिस पर मालिकाना हक स्वर्गीय जाहिद हुसैन के पुत्रगढ़ शाहिद हुसैन, ताहिर हुसैन, साबिर हुसैन, हामिद हुसैन के पास है, जिस पर दबंग माफिया हिस्से शीटर अपराधी प्रभाकर पटेल पुत्र छोटे लाल पटेल ग्राम प्रधान से सांठगांठ करके कब्जा करना चाह रहा था। अचानक से भूमाफियाओं के हिस्से पर दबंगों ने 200 साल पुरानी मस्जिद पौशाला कुआं तथा वहां पर लगे पेड़ पौधों को जेसीबी मशीन लगाकर तोड़फोड़ कर दिया। पीड़ित व परिवार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से लेकर शासन प्रशासन के अधिकारियों को पत्र भेजकर निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है तथा पीड़ितों को हुई नुकसान की भरपाई की मांग की है। आदिया न्यूज 24 के लिए संवाददाता विकास की रिपोर्ट। आपका मैं साबिर हुसैन सनाब स्वर्गीय जाहिद हुसैन ग्राम कड़रो थाना नवाबगंज तहसील कुंडा जिला प्रतापगढ़ का मूल निवासी हूँ। मैं चार भाई हूँ। मेरे पिताजी के देहांत हो चुका है। मेरे बाप दादाओं की पुश्तैनी जमीन ग्राम कड़रो में मेरी खेती बाड़ी भी है, सब कुछ है। वहीं मेरे एक मुस्लिम बप कब्रिस्तान भी है जिसका मैं सदर भी हूँ। मुस्लिम बप कब्रिस्तान है जिसका मैं सदर भी हूँ। मेरी आराजी नंबर 733/1, 733/2, 733/3 जो कि पुश्तैनी सैकड़ों साल पुरानी आराजी है, उस मेरी आराजी पर पुश्तैनी आबादी पे की जमीन पर मेरी 100-150 साल पुराना मस्जिद कुआं पौशला सब मौजूद है, जिसको कुछ भूमाफिया दबंग अपराधी जिसमें मुख्य रूप से वर्तमान समय में जो प्रभाकर पटेल है, जो थाना नवाबगंज में हिस्ट्री सीटर है, कुख्यात अपराधी है जिसकी हिस्ट्री सेट खुली हुई है, और उसने जो है अब प्रधान से सांठगांठ करके उस पर कब्जा करना चाहा, जिसकी जानकारी होने पर मैंने एसडीएम महोदय कुंडा प्रतापगढ़ में एक अपना मुकदमा दाखिल किया। उस मुकदमे में माननीय न्यायालय में चल रहा है, जिसमें संबंधित लेखपाल और राजस्व निरीक्षक महोदय ने रिपोर्ट भी प्रेषित किया कि उक्त आराजियों पे साबिर हुसैन, शाहिद हुसैन, हामिद हुसैन, ताहिर हुसैन की पुश्तैनी है, उसमें उनका कब्जा और दखल है। वो रिपोर्ट प्रेषित की गई 15 अक्टूबर 2023 में, 15 अक्टूबर या अगस्त 2023 में प्रेषित की गई माननीय न्यायालय को। इससे पहले भी लेखपाल तत्कालीन रामलाल सरोज और राजस्व निरीक्षक ने भी रिपोर्ट दी IGRS में शिकायत पे कि उनका कब्जा दखल है, लेकिन उक्त हिस्ट्री सीटर दबंग भूमाफिया अपराधी प्रभाकर पटेल और जो उसका संरक्षण देने वाला प्रधान है, जो प्रधान जीता है राम प्यारे सरोज हैं, लेकिन प्रधानी का काम पूरा प्रभाकर पटेल देख रहा है, उनकी नियत मेरी जमीन पर खराब हो गई और उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। तो मुझे जानकारी मिली कि ये कब्जा कर ही लेंगे दबंगई गुंडई से, तो मैंने न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने के बावजूद मैं SDM महोदय से मिला। SDM महोदय ने उस पर आदेश 21 दिसंबर 2023 को किया कि उक्त स्थल पे किसी तरह का परिवर्तन न किया जाए। वो आदेश की कॉपी लेखपाल राजस्व निरीक्षक महोदय को उपलब्ध करा दी गई, लेकिन वो उससे बात आए कि अब तो मामला रुक जाएगा। उन्होंने आनन फानन में अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, सबको गुमराह किया कि वहाँ गाँव कड़ोरों में हरिजनों की बस्ती को खाली कराना है, हरिजनों की जमीन को खाली कराना है, इसके नाम पर वो वहाँ से निकले और लेखपाल कानून को मोटी रकम दे करके मेरी सैकड़ों साल पुराना धार्मिक स्थल मस्जिद कुआं हौसला आबादी की जमीन को ध्वस्त कर दिया। दो दो जैसी मशीन मंगा के मैंने तुरंत तत्काल अपने मोबाइल नंबर से तुरंत SDM महोदय को फोन किया। SDM महोदय ने कहा कि मैंने तो वहाँ हरिजन आबादी खाली कराने के लिए भेजा है, आपकी जमीन से क्या मतलब है, वो हरिजन आबादी नहीं है। हमने कहा नहीं सर, मेरी पुश्तैनी आबादी है। सर मुकदमा आप क्या चल रहा है, कहने किस न्यायालय में चल रहा है। हमने कहा SDM महोदय के न्यायालय में चल रहा है। कहने अरे भाई मैं SDM ही बोल रहा हूँ। मैंने कहा सर आप ही के न्यायालय में चल रहा है और आपने 21 तारीख को सर आदेश भी किया है कि उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, लेकिन वो दबंग अपराधी प्रभाकर पटेल अपने वर्चस्व से, अपने दबंगों से मिल करके और अधिकारियों को मोटी रकम दे करके उस पर कब्जा कर रहा है, जैसे भी मशीन मंगा लिया है। कहीं देखिए मैं अभी बात करता हूँ। उन्होंने फोन किया
किसको किया ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद मेरे छोटे भाई हामिद हुसैन ने, जो यूपी स्टेट रिपोर्टर भी हैं न्यूज 28 के, उन्होंने रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी एसडीएम महोदय को फोन किया, उनको भी उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन दबंग अपराधियों नहीं माने। मेरी पुश्तैनी जमीन मस्जिद पौसले की जमीन को खोद खाद दिया, लेबल कर दिया, उस पर स्थित पेड़ों को काट डाला, उठा ले गए, तमाम तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि ऐसे दबंग अपराधी शिष्टाचार प्रभाकर पटेल जैसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल में भेज दिया जाए। वो उच्च अधिकारियों को मिसगाइड करके, गुमराह करके फर्जी दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मनरेगा के मामले में तमाम घोटाला का डाला है, इन्होंने दूसरे का कंट्रोल खुद चला रहे हैं। इस तरह जिसकी जमीन पाते हैं उसको कब्जाने की कोशिश करते हैं, तमाम तरह के दंड फंद करके करना चाहते हैं। मैं अल्पसंख्यक हूँ, मेरा तनहा एक दो घर उस गांव में है, हम लोग ऐसे ही परेशान पीड़ित हैं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से आखिर अनुरोध करता हूँ कि ऐसे दबंग अपराधी को तत्काल गिरफ्तार करा के जेल में ठूस दिया जाए, और जिन अधिकारियों ने पैसे के बल पर, उसके इशारे पर मेरी धार्मिक स्थल को, मेरी सैकड़ों साल पुरानी आबादी को, मेरे कुआं को, पौसला को ध्वस्त किया है, नुकसान पहुंचाया, पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है, उसकी इन लोगों से भरपाई कराई जाए। आपके पास जो परपत्र हैं वो दिखाएं। ये 21 तारीख का है, 21/12/2023 को उप जिलाधिकारी महोदय की मुहर लगी हुई है, सीधे आदेश उन्होंने RI और लेखपाल को लिखा है मेरे प्रार्थना पत्र पे। फिर मेरे भाई का प्रार्थना पत्र है, मेरे बड़े भाई हैं शाहिद हुसैन, मामला फिर ये है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, ये उसका है नकल सवाल न्यायालय का, ये रिपोर्ट है जो दिनांक 15/8/2023 को लेखपाल और राजस्व निरीक्षक सतीश कुमार श्रीवास्तव और श्री रमेश कुमार लेखपाल ने माननीय न्यायालय एसडीएम महोदय को प्रेषित किया, ये है। उससे पूर्व लेखपाल रामलाल सरोज और एसडीएम महोदय के भी दस्तखत हैं, और तहसीलदार सबके अधिकारियों को दस्तखत हैं, उप जिलाधिकारी महोदय की मोहर है, या IRF शिकायत रिपोर्ट प्रेषित की गई है कि ये स्थल हम लोगों का है, मतलब पीड़ितों का है, अल्पसंख्यकों का है, ये भेजा गया है कि इसमें मेरा किसी का दखल नहीं किया जाएगा। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।